टीवीएस आईक्यू पिछले कुछ महीने से काफी अच्छा ग्रो कर रहा है और अभी के टाइम में टॉप टू लिस्ट में आती है इन टू व्हीलर ईवी इंडस्ट्री। वैसे तो ये कंपनी पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल जब सेल करती थी तो इनका थोड़ा सा फंडा अलग होता था। ये जो एक्सशोरूम बताते थे वो सिर्फ और सिर्फ व्हीकल का बताते थे, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट चार्जर का वो लेते थे वो कभी नहीं बताते थे। जब आप गाड़ी लेने जाते तब वो बताते हैं कि ये जो चार्जर है जिससे ये गाड़ी चार्ज होगी उसके लिए अलग से पैसा देना पड़ेगा। और ये काफी समय से चला, पिछले महीने जैसी गवर्नमेंट ने फटकार लगाई टीवीएस कंपनी ने जो चार्जिंग का कॉस्ट है वो ऐड कर दिया एक्सशोरूम में और उनकी जो प्राइसिंग है थोड़ी सी बढ़ गई। बट फिर भी लोगों को तकलीफ नहीं थी क्योंकि जो प्राइस था वो तो उनको पे करना नहीं पड़ता था, अब वो डॉक्यूमेंटेड हो गया। पहले डॉक्यूमेंटेड था बट वो एक अलग से स्लिप बनती थी चार्जर की, अब ये चीज पूरा का पूरा एक इनवॉइस में आ चुका था। लेकिन लोगों को अब दिक्कत आना स्टार्ट होगी। पहले था 51,000 का सब्सिडी मिलता था टीवीएस कंपनी को और ऐसे में इनकी गाड़ी का जो प्राइस होता था वो काफी कम होता था। ज्यादातर लोग तो बेस मॉडल लेते थे और जिनके पास थोड़ा सा अच्छा पैसा होता था लाइक 10,000-20,000 रुपए तो वो एस मॉडल लेते थे, हालांकि एसटी अभी तक आया नहीं है। लेकिन अभी के टाइम में जो सब्सिडी है वो 51,000 से घट के हो चुका 17,000-22,000 कुछ। इसके बीच में टीवीएस आईक्यू जो बेस मॉडल है और जो एस मॉडल है दोनों की प्राइस बढ़ चुके हैं। ऐसे में अभी प्राइस आए नहीं है लेकिन लगभग सारे वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएंगे इसकी प्राइसिंग, जो कि है 20,000-22,000 के बीच में दोनों गाड़ियों के प्राइस बढ़ चुके हैं। टीवीएस की आईक्यू बेस मॉडल स्टैंडर्ड मॉडल उसका प्राइस था 1,23,000 रुपए और जो एस मॉडल था उसका प्राइस था 1,34,000 रुपए। लेकिन जो प्राइस बढ़ने वाला है 17,000-22,000 के बीच में बढ़ने वाला है। अगर हम 20,000 के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो टीवीएस आईक्यू का जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है उसका प्राइस हो जाएगा अब 1 जून से 1,43,000। वही आईक्यू एस मॉडल का हो जाएगा 1,54,000। और ये जो प्राइस है ये सब्सिडी हटा के बता रहा हूँ। अब सब्सिडी इतनी कम होने के कारण से जो प्राइस है वो ईवी इंडस्ट्री में हर गाड़ी की बढ़ चुकी है। लेकिन देखने वाली बात ये है कि कौन सी कंपनी ने ग्राहकों के हिसाब से अपने प्राइस को थोड़ा रीडिफाइन किया है। और ऐसे में सबसे अच्छी कंपनी है ओला, जिन्होंने ग्राहकों पे ज्यादा लोड ना डालते हुए उनकी प्राइस मुश्किल से 15,000 रुपए बढ़ाई है। वही टीवीएस 20,000-22,000 रुपए जरूर बढ़ा रहा है और ऐसे में जो दूसरी कंपनी है वो तो काफी ज्यादा ही बढ़ा रही है। लेकिन अभी के टाइम में सोचने वाली बात यह है कि 1,43,000 और 1,54,000 मैं दोनों ही बता रहा हूँ बेस एंड दी एस मॉडल दोनों व्हीकल्स क्या इस प्राइस पे जस्टिफाइड है। सो अभी के टाइम में बात करूँ तो यस इलेक्ट्रिक व्हीकल अब आपको थोड़ी महंगी लगेगी। ये अब आपके पूरे बजट पे आ जाता है कि आपका बजट अलाउ करता है इस गाड़ी को लेने के लिए और एल्स मैं दूसरी गाड़ी को देखूं। अगर आप मिड ड्राइव मोटर की तरफ जाना चाहते हैं तो मैं अगेन सजेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप ओला की गाड़ियों को चेकआउट कीजिए। टीवीएस की गाड़ी बहुत अच्छी है, प्रैक्टिकल गाड़ी है, बट राइट नाउ पैसे के अकॉर्डिंगली जो 100 किलोमीटर की रेंज मिल रही है ना वो उतना जस्टिफाइड नहीं कर रहा है। तो इट्स बेटर आप ऐसी गाड़ी लो जिसमें रेंज तो एटलीस्ट थोड़ा सा तो मिले, मतलब 120-122 तो मिले। तो ऐसे में ओला S1 Pro थोड़ा बेटर साउंड करता है। और वही अगर प्रैक्टिकलिटी की तरफ जाना है तो देन आपके पास कोई चॉइस है ही नहीं, क्योंकि टीवीएस आईक्यूब ही सही ऑप्शन आपके लिए रहेगा, वही बेस मॉडल। अप मॉडल पर जाएंगे तो देन वही एथर कैटेगरी में आ जाएगा, देन बजाज चेतक की कैटेगरी में जाएगा। लगभग 1,30,000 में ऑप्शन ना के बराबर बचे हैं। अब आपके पास ऐसी गाड़ियां रहेगी जो पहले हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते थे, वही गाड़ी आपके पास 1,00,000 के अंडर आती है। अगर आपको मुझसे पूछता नहीं कि 1,00,000 के अंडर कौन सी गाड़ी लेना सही है तो मैं तो बोलूंगा अभी कोई भी सही नहीं है। बट वही अगर बजट नहीं है तो फिर तो वही लोकल जो कंपनियां हैं उसकी तरफ ही लोग डायरेक्ट भागना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखो एक तरफ तो पेट्रोल की मार लगी रही है लोगों को, आईसी इंजन गाड़ियों के प्राइस भी बढ़ चुके, वही इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरफ जा रहे हैं तो अगेन इलेक्ट्रिक गाड़ियों के प्राइस भी बढ़ चुके। अब वो एक कंज्यूमर एक ग्राहक फंस गया है दोनों तरफ, अब वो पता नहीं क्या करेगा। सो गाइस इस पूरे सिचुएशन में जो अभी चल रहा है प्राइस इंक्रीज का, चल क्या रहा है, हो तो गया है प्राइस इंक्रीज, चल भी नहीं रहा, हो गया है, ऐसे में आपका क्या ओपिनियन है? जो 40% का सब्सिडी मिलता था वहां से 15% हो गया, लाइक यहां पे अगर 20-25% भी अगर सब्सिडी मिलता तो भी एक कंज्यूमर के लिए थोड़ा सा सपोर्ट होता, बट राइट नाउ वो सपोर्ट टोटली चला जा चुका है। ये पूरा सिचुएशन अलग ही तरफ जा चुका है। एंड जो सेल्स फिगर जो मैंने आज इस बार मैंने आपको शोकेस किया है, नेक्स्ट मंथ आप देखोगे ना, नेक्स्ट मंथ क्या इस मंथ के एंड पे जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो देख लेना, एकदम ही ड्रास्टिकली ड्रॉप देखने को मिलेगा। सो गाइस आज के वीडियो बस इतना ही था, ज्यादा कुछ ज्यादा एक्सटेंड नहीं करते, बट जो चीज चल रही है वो मैंने सोचा आपको बता दूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपका सपोर्ट एंड छोटा सा एक लाइक कर देंगे तो बहुत हेल्प होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।